वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन देखने से पहले यहाँ पे अपन देखते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन और कुछ बेसिक लॉ जो फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होते हैं। तो उसमें पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट है लॉ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, स्नेल्स लॉ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल एपर्चर, फ्रैक्शनल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज एंड वी नंबर। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लॉ और डेफिनेशंस हैं जो कि फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होती हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे ये दो बेसिक लॉ के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन के बारे में, और जो मेरे कमिंग वीडियोज हैं उनमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बाकी सारे लॉ एंड डेफिनेशंस। तो आइए अपन देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। यहाँ पे मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये एक मिरर है या एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि जिसका शाइनी सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। अगर कोई लाइट ट्रेवल करती है और इंसिडेंट होती है एक शाइनी सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट होती है सेम मीडियम में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो लाइट ट्रेवल करके इंसिडेंट हुई है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे। जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई है ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन सेम मीडियम में उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्ट होती है लाइट उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कहलाता है नॉर्मल। अब इस नॉर्मल से और इस इंसिडेंट लाइट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम डिनोट करते हैं आई से और वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल फॉर्म होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में उसे हम डिनोट करते हैं आर से और कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इस एरो से डिनोट करते हैं जो पॉइंट करता है टूवर्ड द शाइनी सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे को हम आइडेंटिफाई करते हैं इस एरो से जो पॉइंट करता है अवे फ्रॉम द सरफेस, और ये है आपका नॉर्मल। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट एक होमोजीनियस मीडियम में ट्रेवल करे और स्ट्राइक करे एक शाइनी सरफेस पे और रिटर्न बैक हो जाए उसी सेम मीडियम में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है जो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, दैट इज आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक सेम प्लेन पे लाई करना चाहिए एक सेम पॉइंट पे, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लिखा है मैंने व्हेन लाइट रे ट्रेवल इन अ होमोजीनियस मीडियम एंड स्ट्राइक ऑन अ शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस का मतलब है कोई भी पॉलिश्ड सरफेस या कोई मेटल कोटेड ग्लास मिरर, और इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। इस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। फॉर रिफ्लेक्शन दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई is equal to angle of reflection, यानी आ एंगल आई आर के इक्वल होना चाहिए, और इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों सेम पॉइंट पे सेम प्लेन पे लाई करना जरूरी है, ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्मूथ शाइनी सरफेस के लिए भी फॉलो होता है और एक रफ सरफेस के लिए भी फॉलो होता है। मतलब सरफेस कैसा भी हो, रफ हो या स्मूथ हो, रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। लेकिन अगर स्मूथ सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और अगर किसी रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कहलाएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रफ सरफेस के लिए भी वैलिड है, लेकिन जब रफ सरफेस पे कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जो नॉर्मल फॉर्म होता है रफ सरफेस में वो वेरी करता है
उसका डिफरेंट डायरेक्शन होता है। अगर लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट की है लेकिन सरफेस रफ है, तो रिफ्लेक्शन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये कहलाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब अपन देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में अपन को पता होना चाहिए व्हाट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ जो है वो फॉलो करती है, कहीं पे बेंड नहीं होती जब तक उसको दूसरा मीडियम ना मिले। तो यहाँ पे यही मैंने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ तीन मीडियम है, एयर पहला मीडियम, दूसरा मीडियम है वाटर और तीसरा है ग्लास। लाइट रे पहले स्ट्रेट ट्रेवल करती है एयर में और स्ट्राइक करती है एयर वाटर इंटरफेस पे। जैसे ही लाइट रे एयर वाटर इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी और वाटर में ट्रेवल करेगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट जो है वो अपने पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, बेंड हो गई, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं कर रही है, वो अपने पाथ से डेविएट हो गई और फिर ट्रेवल करने लगी एक स्ट्रेट पाथ में। फिर जैसे ही उसको अदर मीडियम मिला यानी वाटर से ग्लास में एंटर की, तो फिर से हम देखेंगे कि लाइट रे जो है वो फिर बेंड हो जाएगी, फिर वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के किसी और पाथ को फॉलो करने लगेगी। तो इसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट को कोई दूसरा मीडियम मिलता है, लाइट जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, मतलब बेंड हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट और यही कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। पहला मीडियम है यहाँ पे एयर और दूसरा मीडियम है वाटर। जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट रे एयर से यहाँ पे ट्रेवल कर रही है वाटर में, तो जो एयर पे लाइट ट्रेवल कर रही है और स्ट्राइक करती है एयर वाटर इंटरफेस पे, तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट रे, क्योंकि इसका एरो जो है वो एयर वाटर इंटरफेस की तरफ बता रहा है। जब लाइट एंटर करती है वाटर में, तो हम देखेंगे कि लाइट जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करेगी, तो इसे हम कहते हैं इस लाइट रे को रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट पे, एयर वाटर इंटरफेस के पॉइंट पे, अगर हम एक परपेंडिकुलर डालें तो ये कहलाता है नॉर्मल, और नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम डिनोट करते हैं आई से। इसी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड लाइट का जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इट मींस जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, वो हमेशा अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। और क्यों डेविएट होगी? वेव की स्पीड की वजह से, लाइट की स्पीड की वजह से, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ये डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम कौन सा है। अगर लाइट रे रेयर मीडियम से यानी लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम यानी डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट रे जो है वो बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी वो लाइट रे नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर लाइट रे ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ, तो लाइट रे मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये लाइट रे जो है वो नॉर्मल की से दूर जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे जो मीडियम है एयर है और वाटर। एयर जो होता है वो रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो लाइट रिफ्रैक्टेड रे जो है वो मूव करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर। अब दो कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ एनी टू गिवन मीडियम ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाए होना चाहिए एक सेम प्लेन पे, और जो रेशियो होता है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। ये सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, जिसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। जो रेशियो होता है साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है एक पर्टिकुलर गिवन कलर के लिए और एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए, जिसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ।
इसे स्नेल्स लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था ये रिलेशनशिप एक मैथमेटिशियन ने, एक साइंटिस्ट ने जिसे हम वेलबर्ट स्नेल नाम से जानते हैं। इस साइंटिस्ट ने ये पता लगाया था कि इनका जो रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर का वो कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देन साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉन्स्टेंट। ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो कहलाती है, द कॉन्स्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाता है ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये स्नेल्स लॉ कहलाता है। इसको हम प्रैक्टिकली एग्जामिन करके भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रूफ हुआ है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड आउट करें, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन फाइंड आउट करें और इनका रेशियो फाइंड करें तो हमें इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट मिलेंगी। जैसे हमने फाइंड किया यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट फेस में 15, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हमें उसी टाइम पे मिला 10, तो साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट निकलेगा 15 का 0.25, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन निकलेगा 0.17, तो इनका रेशियो 1.5 आएगा। ऐसे ही सेकेंड टाइम्स में अगर इंसिडेंट एंगल 30 है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 20 है, तो साइन आई होगा 0.51, साइन आर होगा 0.34, तो इसका रेशियो 1.5। थर्ड टाइम में अगर 48 है एंगल ऑफ इंसिडेंट, 30 है एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, तो साइन आई 0.75, साइन आर अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आएगा, इसका रेशियो भी 1.5। यानी इन तीनों केसेस से हमें ये मिलता है कि आपका इन एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना भी हो, हमारा जो रेशियो होगा साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। यही कहलाता है स्नेल्स लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।